मित्रों, जय माता दी। माता रानी के कृपा से आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी कन्या राशि के लोगों को जातकों को बताना चाहेंगे कि कन्या राशि के लोगों के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और आज के दिन के आप लोगों के शाम के समय किन घटनाओं के शिकार होंगे। गुलाब की तरह महक उठेंगे जिंदगी, जो कि आप सभी कन्या राशि के लोगों के जीवन में आपके शाम 4:55 से इन 3 दिनों के अंतराल होंगे, जो कि अब आपकी किस्मत में यह होकर जरूर रहेगा। आज आपके लिए कैसा रहेगा और किस प्रकार की खुशियाँ रहेंगे आज आपके लिए, आज के दिन का व्यापार व्यवसाय के रियल लाइफ, आप सभी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सा बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकते हैं, तो आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा, भाग्य का साथ और किस्मत का सपोर्ट किस प्रकार मिल सकते हैं, आपके जीवन में किस प्रकार लाभकारी परियोजनाओं को बनाना भी किस प्रकार सुपर बेहतर हो सकता है, तो आज आपको बताएंगे कौन सा महत्वपूर्ण काम काज को अंतिम रूप तक देना पड़ सकता है, तो किस प्रकार से आपके जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के मौके मिल सकते हैं, आज आपके जीवन में किस प्रकार लाभकारी परियोजनाओं को बनाना भी सुपर बेहतर हो सकते हैं, तो आज आपको सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, माता रानी के सच्चे भक्ति कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। तो दोस्तों, आज का दिन काफ़ी बढ़िया है और आप सभी को जीवन में सफलता का प्रतिशत ऊंचा रह सकता है। जो भी करना है थोड़ी सावधानी पूर्वक ही सभी कार्य को संपादित करने हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ कि आज आपकी किसी खास समस्याओं का समाधान निकलने से राहत मिल सकते हैं। घर में बड़े बुजुर्गों का तथा वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग तथा आशीर्वाद व खुशी आपको सुखद अनुभूति करवा सकते हैं। बच्चे भी अनुशासित एवं आज्ञाकारी रहेंगे। स्वास्थ्य में हल्के फुल्के परेशानी रहने की वजह से आप सभी के जो है कुछ काम अधूरे रह जा सकते हैं। चिंता न करें, उचित आराम लें, पारिवारिक सदस्यों के साथ भी कुछ समय जरूर व्यतीत करें, जल्दी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। स्वास्थ्य ठीक न हो जाने की वजह से आज आपको कोई काम अधूरे रह सकते हैं, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति सामान्य हो जा सकते हैं। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को अतिरिक्त रूप से कार्यभार संभालना पड़ सकता है। दोस्तों, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य पूर्ण कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन भी सामान्य होगा। विभत्तर संबंध आपके लिए मुश्किलें उत्पन्न करेंगे। आज तो वजह से सावध एलर्जी हो सकती हैं। अत्यधिक गर्मी और प्रदूषण में जाने से आपको परहेज करने होंगे। किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ को खोने का डर भी रहेगा। जिस बदलाव को आप रोक रहे हैं वह आपके लिए भी तकलीफों का कारण भी बन सकते हैं। आज बेचैनी रह सकते हैं। परियानाम और मेडिटेशन में संक्रांतमक परिवर्तन को करने का कार्य हो सकता है। दोस्तों, आज आपकी कई तरह की गतिविधियों में आप सभी को व्यवस्थाएं रहेंगे। दिल की बजाय दिमाग से कार्य को करने होंगे। काम लेना आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा और आप सभी के जीवन में आज गंभीर और लाभदायक विचार विमर्श हो सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी आपका गुस्सा हस्तक्षेप पारिवारिक लोगों के लिए परेशानियों का कारण भी बन सकता है। स्वभाव को संक्रांतमक बनाए रखें। हर चीज़ों को लेकर मन में मस्तिष्क में कुछ बेहतर विचार को उत्पन्न करें। आज आपका ग्रह स्थिति अनुकूल है, इसका उचित उपयोग अपने व्यावसायिक कार्य प्राणी संबंधी योजनाओं को बनाने में कर सकते हैं। इसके लिए वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कमीशन संस्थान पूरा हो जाने से अच्छा रूप से आप सभी को जो है पैसा मिल सकता है। घर के कार्यों में आप सभी का उचित रूप से रुचि लेना जीवन साथी को लेकर आज खुशी प्रदान कर सकता है। घर का वातावरण भी खुशनुमा रह सकता है। स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। नकारात्मक विचारों को ना पनपने दें। हर एक व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग रहता रह सकता है। दोस्तों, इसलिए अन्य लोगों के द्वारा प्राप्त हो रहे सुझाव पर आपको ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। अपनी बातों को मनवाने की कोशिश न करें। आज हर चीज़ों को लेकर अपने में शांति लाने का कार्य अवश्य करें। कई तरह की चीज़ों को लेकर आज आप सभी के जीवन में शरीर पर चोट लगने की संभावना होंगे। हर एक काम को ध्यानपूर्वक करना होगा। आज आप सभी को पार्टनर्स के साथ चर्चा अवश्य करने होंगे। दिन